माँ पे गया हूँ। और क्या माँ की कसम। और क्या लाई बॉल दिखाई। हाँ ये लो। ए, ए, क्या कर रहा। माँ भी प्लेटें फेंकती है ना। ये सब क्या है माँ। चुपचाप आरती करवा लो नहीं तो ताया जी पूरा हवन करवाएंगे। क्यों मार गए। कोई बात नहीं करो लक नेक्स्ट टाइम। अगली बार जरा तैयारी करके आना। ना मुझे कोई खबर ना कोई फोन। पैन दे टके मैं तेरा बाप हूँ। चलो जश्न मना। एक तो हारते हुए यार ऊपर से रोते हो ये क्या बात। कैसे पेंट ही तो है इसमें मैं उठा लूंगा। आपके साथ ही। क्यों तुम इस सन की बुड्ढे के साथ नहीं हो। सन की बुड्ढा यार मैं चीटिंग करता था और सिर्फ खेल में। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइस इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन बॉलीवुड मूवी बाबुल। बाबुल इज अ 2006 इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय रवि चोपड़ा। दी मूवी स्टार अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी सलमान खान जॉन इब्राहिम एंड रानी मुखर्जी। दी मूवी सेलिब्रेट बी आर चोपड़ा 15 ईयर्स सिनेमा। इन The movie was present of the Bond show between Salman Khan and Amitabh Bachchan, so it was cleared a flop at the box office. जी फ्रेंड बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सिनेमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सिनेमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के माँ बहन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस बताया कि एक बेवकूफ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग खराब कर दी और बताया कि ये बलराज है लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवि का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक
पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि ब्लाज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उसे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने, अभी के अलावा कोई नहीं होता है, उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगु करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के गांव से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। ब्लाज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका रात से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने रजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दोबारा शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है, ताहम बलराज खड़ा है और सबको राज़ी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक हो ठीक है। अविनाश एक रूखिया सेहत से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा। वो अपनी बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन हर मंजल, भवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल, बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर ट्वीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वाज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के माँ बैंड दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है।
जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए, जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं, और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग खराब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवि का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अवि के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अवि का बाप है। जब अवि जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उसे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अवि, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अवि ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अवि के अलावा कोई नहीं होता है। उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगु करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह के एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के गांव से घर आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने रजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि
بلونا روایتی ہندوستانی خیال رکھتی ہے کہ کسی بچے والی بیوہ کو اپنے بچے کی پرورش کرنے میں خود کو لگانا چاہیے اور کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اور یہ کہ دو بارہ شادی کرنے والی عورت فنی غنا کر رہی ہے, تاہم بلراج کھڑا ہے اور سب کو راضی کرتا ہے. آخر میں رجن اور ملکی نے شادی کر لی اور سب کچھ ٹھیک ہو ٹھیک ہے. اویناش ایک روکھی حیثیت سے آ کر اپنے والد کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی بیوی کا خیال رکھا, اس کے بچے کے بارے میں سوچا, اور وہ اپنی باپ سے بہت خوش ہوتا ہے. تو سو گائز, یہ تھی مووی. اگر آپ کو مووی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس میں تقریباً 9 گانے ہیں ٹھیک ہے. فلم جو کہ گیرے میں کم آن ہر منزل بھوری پائے پیا کی بی بسی درد کا عالم کہہ رہا ہے کہتے ہیں بابل بابل بدائی سونگ ہر منزل ریمکس ہے اس کا. کم آن کا بھی ریمکس ہے. وعدہ رہا سو سونو نگم نے اسے گایا تھا باکس آفس پہ, جو اس کا تھا بٹوین سلمان خان اینڈ امیتابھ بچن. تھرو اٹ واز کلیئرڈ آ فلوپ ایٹ دی باکس آفس. جی فرینڈ, بابل جو کہ 2006 میں ہندوستانی زبان کی مووی ہے جسے روی چوپڑا نے ٹریک کیا تھا. اس مووی میں جو اسٹار تھے وہ میں نے آپ کو بتائے, اور یہ 50 سال سنما میں منائے گئے ہیں. فلم میں بی اے چوپڑا نے سنما میں 50 سال منائے گئے تھے. فلم میں سلمان خان اور امیتابھ بچن کے مابین دکھائے جانے والے بینڈ کی تعریف کی گئی, حالانکہ اسے باکس آفس پر فلاپ قرار دے دیا گیا ہے. جی گائز, مووی کی اسٹوری جان لیتے ہیں. اب آپ کو میں مووی کی اسٹوری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سبھی دیکھنے والوں سے کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے. اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی مووی کی کچھ بھی ڈیٹیل چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, تاکہ میں آپ اس مووی کا نام اور جو آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے, میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. سو چلتے ہیں مووی کی تھوڑی سی اسٹوری جان لیتے ہیں. بلراج کپور امیر کپور بزنس مین خوشی اور دنیا سے متقل ہے. وہ ان کی اہلیہ شبنا خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں, اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے اویناش یعنی کہ سلمان خان کا امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں. 7 سال کی عدم موجودگی کے بعد اویناش ہندوستان واپس آ گیا. وہ ہوائی اڈے پر اپنے والد کے ساتھ دوبارہ ملتا ہے اور گھر میں دوڑتا ہے. گھر واپس اب اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہوا. ایک دن اس نے گولفنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بلراج غلطی سے گیند سے ٹکرا گئے جس سے ایک برباد ہو گئی. تصویر میں پینٹنگ کرنے والی نوجوان خاتون مالویکا کا بعد میں اومی گولف کورس میں ملی میں دوڑتی ہیں اور وہ بات چیت کرنے لگتے ہیں. ملنے کے اس بتایا کہ ایک بیوقوف بوڑھے نے اس کی پینٹنگ خراب کر دی اور بتایا کہ یہ بلراج ہے, لیکن وہ نہیں جانتی ہے کہ بوڑھا آدمی آوی کا باپ ہے اور وہ اسے نہیں بتاتا ہے. آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. دونوں کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پسند کرنے لگتا ہے. جب ملی گھر آتی ہے تو اس کی بچپن کے دوست راجد اور اس کی بچپن کا دوست ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے جو اسے بتا کیونکہ اسے بھی اس سے پیار ہوتا ہے. ایک دن ملی ایک پینٹنگ چھوڑنے کے لیے اوی کے دفتر گئی اور پتہ چلا کہ بلراج اوی کا باپ ہے. جب اوی ظاہر ہوتا ہے تو وہ روتی ہوئی آفس سے نکل جاتی ہے. وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس سے جھوٹ بولنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے. وہ ابھی
इसकी माफी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को खराब करने पर उसे माफी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है, उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा खानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की जिंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है। ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूह की हैसियत से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा। वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन, हर मंजल, बवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर मंजिल रिमिक्स है इसका, कम ऑन का भी रिमिक्स है, वादा रहा। सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मां-बहन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है।
जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बल्लाज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने रजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है जबकि
بلونا روایتی ہندوستانی خیال رکھتی ہے کہ کسی بچے والی بیوہ کو اپنے بچے کی پرورش کرنے میں خود کو لگانا چاہیے اور کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اور یہ کہ دو بارہ شادی کرنے والی عورت فنی گناہ کر رہی ہے, تاہم بلراج کھڑا ہے اور سب کو راضی کرتا ہے. آخر میں رجن اور ملکی نے شادی کر لی اور سب کچھ ٹھیک ہو ٹھیک ہے. اویناش ایک روح کی حیثیت سے آ کر اپنے والد کی خوشی سے نوا خوش ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی بیوی کا خیال رکھا, اس کے بچے کے بارے میں سوچا, اور وہ اپنے باپ سے بہت خوش ہوتا ہے. تو سو گائز, یہ تھی مووی. اگر آپ کو مووی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس میں تقریباً 9 گانے ہیں ٹھیک ہے. فلم جو کہ گیرے میں کم آن ہر منزل بھوری پائے پیا کی بی بسی درد کا عالم کہہ رہا ہے کہتے ہیں بابل بابل بدائی سونگ ہر منزل ریمکس ہے اس کا. کم آن کا بھی ریمکس ہے. وعدہ رہا سو سونو نگم نے اسے گایا تھا باکس آفس پہ, جو اس کا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. سو گائز, اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ ایوری ون. بٹوین سلمان خان اینڈ امیتابھ بچن, تھرو اٹ واز کلیئرڈ فلوپ ایٹ دی باکس آفس. جی فرینڈ, بابل جو کہ 2006 میں ہندوستانی زبان کی مووی ہے جسے روی چوپڑا نے ٹریک کیا تھا. اس مووی میں جو سٹار تھے وہ میں نے آپ کو بتائے, اور یہ 50 سال سنما میں منائے گئے ہیں. فلم میں بی اے چوپڑا نے سنما میں 50 سال منائے گئے تھے. فلم میں سلمان خان اور امیتابھ بچن کے مابین دکھائے جانے والے بینڈ کی تعریف کی گئی, حالانکہ اسے باکس آفس پر فلاپ قرار دے دیا گیا ہے. جی گائز, مووی کی سٹوری جان لیتے ہیں. اب آپ کو میں مووی کی سٹوری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سبھی دیکھنے والوں سے کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے. اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی مووی کی کچھ بھی ڈیٹیل چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, تاکہ میں آپ اس مووی کا نام اور جو آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے, میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. سو چلتے ہیں مووی کی تھوڑی سی سٹوری جان لیتے ہیں. بلراج کپور امیر کپور بزنس مین خوشی اور دنیا سے متقل ہے. وہ ان کی اہلیہ شبنا خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں, اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے اویناش یعنی کہ سلمان خان کا امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں. 7 سال کی عدم موجودگی کے بعد اویناش ہندوستان واپس آ گیا. وہ ہوائی اڈے پر اپنے والد کے ساتھ دوبارہ ملتا ہے اور گھر میں دوڑتا ہے. گھر واپس اب اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہوا. ایک دن اس نے گولفنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بلراج غلطی سے گیند سے ٹکرا گئے جس سے ایک برباد ہو گئی. تصویر میں پینٹنگ کرنے والی نوجوان خاتون مالویکا کا بعد میں اومی گولف کورس میں ملی میں دوڑتی ہیں اور وہ بات چیت کرنے لگتے ہیں. ملنے کے اس بتایا کہ ایک بیوقوف بوڑھے نے اس کی پینٹنگ خراب کر دی اور بتایا کہ یہ بلراج ہے, لیکن وہ نہیں جانتی ہے کہ بوڑھا آدمی آوی کا باپ ہے اور وہ اسے نہیں بتاتا ہے. آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. دونوں کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پسند کرنے لگتا ہے. جب ملی گھر آتی ہے تو اس کی بچپن کے دوست راجد اور اس کی بچپن کا دوست ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے جو اسے بتا کیونکہ اسے بھی اس سے پیار ہوتا ہے. ایک دن ملی ایک پینٹنگ چھوڑنے کے لیے اوی کے دفتر گئی اور پتہ چلا کہ بلراج اوی کا باپ ہے. جب اوی ظاہر ہوتا ہے تو وہ روتی ہوئی آفس سے نکل جاتی ہے.
वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उसे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है, उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है। ताहम बलराज खड़ा है और सबको राज़ी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा। वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन हर मंजल, भवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल, बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर मंजिल रिमिक्स है इसका, कम ऑन का भी रिमिक्स है, वादा रहा। सो सोनू निगम ने इसे गाया था बॉक्स ऑफिस पे, जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मां बहन दिखाए जाने वाले
बैंग की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते
انچ کے کھلونے کا حادثہ ہے, جبکہ بلونا روایتی ہندوستانی خیال رکھتی ہے کہ کسی بچے والی بیوہ کو اپنے بچے کی پرورش کرنے میں خود کو لگانا چاہیے اور کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اور یہ کہ دو بارہ شادی کرنے والی عورت فنی گناہ کر رہی ہے, تاہم بلراج کھڑا ہے اور سب کو راضی کرتا ہے. آخر میں رجن اور ملکی نے شادی کر لی اور سب کچھ ٹھیک ہو ٹھیک ہے. اویناش ایک روح کی حیثیت سے آ کر اپنے والد کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی بیوی کا خیال رکھا, اس کے بچے کے بارے میں سوچا, اور وہ اپنے باپ سے بہت خوش ہوتا ہے. تو سو گائز, یہ تھی مووی. اگر آپ کو مووی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس میں تقریباً 9 گانے ہیں ٹھیک ہے. فلم جو کہ گیرے میں کم آن ہر منزل بھوری پائے پیا کی بی بسی درد کا عالم کہہ رہا ہے, کہتے ہیں بابل بابل بدائی سونگ ہر منزل ریمکس ہے اس کا. کم آن کا بھی ریمکس ہے. وعدہ رہا سو سونو نگم نے اسے گایا تھا باکس آفس پہ, جو اس کا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. سو گائز, اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ ایوری ون. بٹوین سلمان خان اینڈ امیتابھ بچن, تھرو اٹ واز کلیئرڈ فلوپ ایٹ دی باکس آفس. جی فرینڈ, بابل جو کہ 2006 میں ہندوستانی زبان کی مووی ہے جسے روی چوپڑا نے ٹریک کیا تھا. اس مووی میں جو سٹار تھے وہ میں نے آپ کو بتائے, اور یہ 50 سال سنما میں منائے گئے ہیں. فلم میں بی اے چوپڑا نے سنما میں 50 سال منائے گئے تھے. فلم میں سلمان خان اور امیتابھ بچن کے مابین دکھائے جانے والے بینڈ کی تعریف کی گئی, حالانکہ اسے باکس آفس پر فلاپ قرار دے دیا گیا ہے. جی گائز, مووی کی سٹوری جان لیتے ہیں. اب آپ کو میں مووی کی سٹوری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سبھی دیکھنے والوں سے کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے. اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی مووی کی کچھ بھی ڈیٹیل چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے, تاکہ میں آپ اس مووی کا نام اور جو آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے, میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. سو چلتے ہیں مووی کی تھوڑی سی سٹوری جان لیتے ہیں. بلراج کپور امیر کپور بزنس مین خوشی اور دنیا سے متکل ہے. وہ ان کی اہلیہ شبنا خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں, اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے اویناش یعنی کہ سلمان خان کا امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں. 7 سال کی عدم موجودگی کے بعد اویناش ہندوستان واپس آ گیا. وہ ہوائی اڈے پر اپنے والد کے ساتھ دوبارہ ملتا ہے اور گھر میں دوڑتا ہے. گھر واپس اب اوی اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہوا. ایک دن اس نے گولفنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بلراج غلطی سے گیند سے ٹکرا گئے, جس سے ایک برباد ہو گئی. تصویر میں پینٹنگ کرنے والی نوجوان خاتون مالویکا کا بعد میں اومی گولف کورس میں ملی میں دوڑتی ہیں, اور وہ بات چیت کرنے لگتے ہیں. ملنے کے اس تب بتایا کہ ایک بیوقوف بوڑھے نے اس کی پینٹنگ خراب کر دی, اور بتایا کہ یہ بلراج ہے, لیکن وہ نہیں جانتی ہے کہ بوڑھا آدمی آوی کا باپ ہے اور وہ اسے نہیں بتاتا ہے. آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے دونوں کو. وہ ایک دوسرے کے ساتھ پسند کرنے لگتا ہے. جب ملی گھر آتی ہے تو اس کی بچپن کے دوست راجد اور اس کی بچپن کا دوست ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے, جو اسے بتا کیونکہ اسے بھی اس سے پیار ہوتا ہے. ایک دن ملی ایک
पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि ब्लाज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। ब्लाज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है। ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन, हर मंजल, बवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर मंजिल रिमिक्स है इसका, कम ऑन का भी रिमिक्स है, वादा रहा। सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं।
फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सिनेमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मां-बहन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त होता है वो किसी से प्यार करती है जो उसे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी ठीक है जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम
शोभना और अब्बी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का हादसा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है, ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे जैसे आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं कम ऑन हर मंजल भवरी पाए पिया की बीबसी दर्द का आलम कह रहा है कहते हैं बाबुल बिदाई सॉन्ग हर मंजिल रिमिक्स है इसका। कम ऑन का भी रिमिक्स है। वादा रहा सो सोनू निगम ने इसे गाया था बॉक्स ऑफिस पे, जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मापन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिन करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता
क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि ब्लाज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा खानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। ब्लाज अपनी बेवा बहू की जिंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है। ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन, हर मंजल, बवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल, बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर मंजिल रिमिक्स है इसका, कम ऑन का भी रिमिक्स है, वादा रहा। सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं।
फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सिनेमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मापदान दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम
शोभना और अब्बी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का हादसा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है, ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिन और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे जैसे आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं कम ऑन हर मंजल भवरी पाए पिया की बीबसी दर्द का आलम कह रहा है कहते हैं बाबुल बिदाई सॉन्ग हर मंजिल रिमिक्स है इसका। कम ऑन का भी रिमिक्स है। वादा रहा सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मां-बहन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिन करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता
क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि ब्लाज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा खानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। ब्लाज अपनी बेवा बहू की जिंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है। ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन हर मंजल, भवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल, बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर मंजिल रिमिक्स है इसका, कम ऑन का भी रिमिक्स है, वादा रहा। सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं।
फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सिनेमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मापदान दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम
शोभना और अब्बी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का हादसा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है, ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक हो ठीक है। अविनाश एक रूखे से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं कम ऑन हर मंजल भवरी पाए पिया की बीबसी दर्द का आलम कह रहा है कहते हैं बाबुल बाबुल बिदाई सॉन्ग हर मंजिल रिमिक्स है इसका। कम ऑन का भी रिमिक्स है। वादा रहा सो सोनू निगम ने इसे गाया था बॉक्स ऑफिस पे, जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मापदान दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिन करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता
क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि ब्लाज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा खानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। ब्लाज अपनी बेवा बहू की जिंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है। ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूह की हैसियत से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन हर मंजल, बवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल, बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर मंजिल रिमिक्स है इसका, कम ऑन का भी रिमिक्स है, वादा रहा। सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं।
फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सिनेमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मां-बहन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम
शोभना और अब्बी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का हादसा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है, ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिन और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे जैसे आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं कम ऑन हर मंजल भवरी पाए पिया की बीबसी दर्द का आलम कह रहा है कहते हैं बाबुल बिदाई सॉन्ग हर मंजिल रिमिक्स है इसका। कम ऑन का भी रिमिक्स है। वादा रहा सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं। फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मां-बहन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिन करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता
क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि ब्लाज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी, ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा खानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। ब्लाज अपनी बेवा बहू की जिंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम शोभना और अभी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का खर्चा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है। ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिंद और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूह की हैसियत से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा। वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं, कम ऑन हर मंजल, भवरी पाए, पिया की बीबसी, दर्द का आलम, कह रहा है कहते हैं बाबुल, बाबुल बिदाई सॉन्ग, हर मंजिल रिमिक्स है इसका, कम ऑन का भी रिमिक्स है, वादा रहा। सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। बिटवीन सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन, थ्रो इट वॉज क्लियर्ड अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। जी फ्रेंड, बाबुल जो कि 2006 में हिंदुस्तानी जुबान की मूवी है जिसे रवि चोपड़ा ने ट्रैक किया था। इस मूवी में जो स्टार थे वो मैंने आपको बताए और ये 50 साल सनमा में मनाए गए हैं।
फिल्म में बी ए चोपड़ा ने सनमा में 50 साल मनाए गए थे। फिल्म में सलमान खान और अमिताभ बच्चन के मापन दिखाए जाने वाले बैंड की तारीफ की गई, हालांकि इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दे दिया गया है। जी गाइस, मूवी की स्टोरी जान लेते हैं। अब आपको मैं मूवी की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी देखने वालों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप लोगों को किसी भी मूवी की कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप उस मूवी का नाम और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सो चलते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बलराज कपूर अमित कपूर बिजनेसमैन खुशी और दुनिया से मुतकिल है। वो उनकी अहल्या शुभना खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और वो अपने इकलौते बेटे अविनाश यानी कि सलमान खान का अमेरिका में तालीम हासिल करने से वापस आने का इंतज़ार करते हैं। 7 साल की अदम मौजूदगी के बाद अविनाश हिंदुस्तान वापस आ गया। वो हवाई अड्डे पर अपने वालिद के साथ दोबारा मिलता है और घर में दौड़ता है। घर वापस अभी अपने वालिद के कारोबार में शामिल हुआ। एक दिन उसने गोल्फिंग करने का फैसला किया और बलराज गलती से गेंद से टकरा गए जिससे एक बर्बाद हो गई। तस्वीर में पेंटिंग करने वाली नौजवान खातून मालविका का बाद में ओमी गोल्फ कोर्स में मिली में दौड़ती हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। मिलने के इस तब बताया कि एक बेवकूफ़ बूढ़े ने उसकी पेंटिंग ख़राब कर दी और बताया कि ये बलराज है, लेकिन वो नहीं जानती है कि बूढ़ा आदमी आवी का बाप है और वो उससे नहीं बताता है। आस्ता आस्ता एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। दोनों को वो एक दूसरे के साथ पसंद करने लगता है। जब मिली घर आती है तो उसकी बचपन के दोस्त राजद और उसकी बचपन का दोस्त है वो किसी से प्यार करती है जो उससे बता क्योंकि उसे भी उससे प्यार होता है। एक दिन मिली एक पेंटिंग छोड़ने के लिए अभी के दफ्तर गई और पता चला कि बलराज अभी का बाप है। जब अभी जाहिर होता है तो वो रोती हुई ऑफिस से निकल जाती है। वो उसका पीछा करती है और कहता है कि उसने इससे झूठ बोलने की वाहिद वजह ये थी कि वो उससे प्यार करता है। वो अभी इसकी माफ़ी कबूल नहीं करती है, लेकिन जब बलराज अपनी पेंटिंग को ख़राब करने पर उससे माफ़ी मांगता है तो वो उन दोनों को माफ़ कर देता है। सो गाइस, जो था अभी ठीक है, जो कि बेटा है अभिषेक बच्चन का, जो मूवी का किरदार है बलराज सिंह, अभी ने मिलने से अपने घर में पार्टी के लिए तैयार होने का कहा। जब वो आती है तो अभी ने अभी के अलावा कोई नहीं होता है उससे उसे पेशकश की कि वो कबूल कर ले। पूरा ख़ानदान शादी के बारे में गुफ्तगू करने मिली के घर जाता है और सभी राजी हो जाते हैं सवाए राज के। वो अभी से कहता है कि वो अभी को मिली से शादी करने देगा अगर सिर्फ वो वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसे कभी गमगीन नहीं होने देगा। अभी और मिली शादी कर लेते हैं और जल्द ही वो एक बच्चे की बाप माता पिता बन जाते हैं, यानी माँ बाप बन जाते हैं। मिली की पैदाइश के दर्द और उस वक्त शुरू होता है जब वो योगा क्लास में थी। अभी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे एक सेहतमंद बच्चा हेल्दी नवाजा जाता है। उन्होंने इस बच्चे का नाम इनिश रखा है। इनिश बड़ा होकर एक मीठा और जहीन लड़का बन गया। कुंभे में उसकी सालगिरह के मौके पर सालगिरह का एक छोटा जोड़ा दिया। वो अभी के काम से घर आने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो एक सड़क हादसे से मिलता है और उसकी मौत होती है। मिली तबाही से दो चार है। बलराज अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी में खुशी वापस लाना चाहते हैं। इनका राज से रब्ता होता हो जाता है। उससे मालूम होता है कि अब भी मिली से प्यार करता है। बलराज ने राजीत से मिलने से शादी करने को कहा था। हम
शोभना और अब्बी की वालदा बलराज के कदामत पसंद बड़े बेटे बलवंत की सख्त मुखालफत है। शोभना को अपने पोते इंश के खिलौने का हादसा है, जबकि बलोना रवायती हिंदुस्तानी ख्याल रखती है कि किसी बच्चे वाले बेवा को अपने बच्चे की परवरिश करने में खुद को लगाना चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये कि दो बारह शादी करने वाली औरत फनी गुना कर रही है, ताहम बलराज खड़ा है और सबको राजी करता है। आखिर में रजिन और मिलिकी ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक है। अविनाश एक रूखे से आकर अपने वालिद की खुशी से नवा खुश होता है और वो खुश होता है कि उन्होंने उसकी बीवी का ख्याल रखा, उसके बच्चे के बारे में सोचा और वो अपने बाप से बहुत खुश होता है। तो सो गाइस, ये थी मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें तकरीबन 9 गाने हैं, ठीक है। फिल्म जो कि गेरे मैं कम ऑन हर मंजल भवरी पाए पिया की बीबसी दर्द का आलम कह रहा है कहते हैं बाबुल बिदाई सॉन्ग हर मंजिल रिमिक्स है इसका। कम ऑन का भी रिमिक्स है। वादा रहा सो सोनू निगम ने इसे गाया था। बॉक्स ऑफिस पे जो इसका था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन।